सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के विरोध में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस करते हुए इस मामले पर दोनों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में 2 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया है। साथ ही बिहार सरकार को रिहाई से जुड़े रिकॉर्ड देने को भी कहा गया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। आनंद मोहन के खिलाफ कोर्ट में दिवंगत IAS अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने याचिका दायर की। उमा देवी ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार सरकार द्वारा कानून में किए गए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 3 मई को उमा कृष्णैया ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, वह जरूर इस केस में न्याय करेंगी। उनका कहना है कि जब आनंद मोहन को आजीवन कारावास की सजा हुई तो उनकी रिहाई 15 साल में कैसे हो गई। कोर्ट से अपील है कि वह मामले पर गंभीरता से विचार करें। दिवंगत IAS कृष्णैया की बेटी ने भी रिहाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उमा कृष्णैया ने याचिका दायर करने के सवाल पर कहा कि हमने व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं की है, बल्कि IAS अफसरों ने की है। मैं लड़ाई नहीं लड़ रही क्योंकि हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। उमा कृष्णैया ने स्पष्ट कहा है कि मुझे नीतीश सरकार से कुछ नहीं चाहिए, सरकार आनंद मोहन की रिहाई पर फिर से विचार कर। इस फैसले से IAS अफसरों के मनोबल पर काफी असर पड़ा है। बिहार सरकार ने 10 अप्रैल को बिहार जेल मैनुअल 2012 में बदलाव किया था। इसके तहत सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान हत्या को भी समान हत्याकांड की तरह कर दिया गया। पहले प्रावधान था कि सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान हत्या करने वालों को रिहाई में छूट नहीं मिलेगी। इस बदलाव के बाद आनंद मोहन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। इसके बाद 27 अप्रैल को आनंद मोहन को सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया। आनंद मोहन की रिहाई पर विपक्षी पार्टियां भी खुलकर सामने नहीं आई। नियमों में बदलाव को लेकर पटना हाई कोर्ट ने भी जनहित याचिका दायर की थी। खबरी चौखट की रिपोर्ट।